ओह गॉड, दीदी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे भी जाना है, वहां क्या हो रहा है? आप? शाबाश दृष्टि। क्या हुआ रक्षत, आप ठीक तो हैं? और बाकी सब? सब मर गए, और अगर नहीं मरे तो मर जाएंगे। दृष्टि तुम यही चाहती थी ना? बहुत ही घटिया प्लानिंग थी तुम्हारी मिस सूद। नहीं रक्षत, आज मैंने सबको खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी हर बात से। निकल जाओ इस घर से मिस सूद, निकलो। दृष्टि आप मुझे नहीं निकाल सकते और मैं नहीं जाने वाली। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा। दृष्टि चलो यहां से। माया जाल तो बहुत अच्छा बुना तूने, पर तेरी माया के तार कट गए। तेरा प्लान फेल हो गया पिसाचनी। मैं पहले ही समझ गई थी, जब तूने मुझे दृष्टि और मिस सूद के नाम से बुलाया था, मैं तब भी समझ गई थी, क्योंकि शादी के बाद मिस्टर शेगल मुझे इन नामों से नहीं बुलाते। तेरा प्लान तो बहुत पक्का था, पर तेरी रिसर्च कच्ची थी। मैं समझ गई थी कि वो रक्षत सर नहीं है। अच्छा हुआ समझ गई। अब थोड़ी देर में तो ये भी समझ जाएगी कि तेरे रक्षित सर सच में नहीं रहेंगे। अभी अभी ये जो तूने अपने पति परमेश्वर की तस्वीर देखी है ना अपने माथे पर, आखिरी बार देखी है? क्योंकि गया, तेरा पति तो अपनी अंतिम यात्रा पे गया, मरने जा रहा है वो। तेरे माँ बाप को तो पहले ही मार चुकी हूँ मैं, लेकिन आज तेरा पति, तेरा पति का परिवार, तेरा पूरा ससुराल एक साथ मर जाएंगे, और उन सब की खूनियों की तू मौतों के सर पे नाच रही है। चुप हो जा, किसने की देनी है बात? सुना तूने? रुको, ये जहरीला धुआं कहां से आ रहा है? शिखर, एम्बुलेंस की स्पीड तो बढ़ती जा रही है, क्या करें, कैसे रोके? डैडन, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये तो डैडन की तरफ जा रही है। डी, ओ गॉड, क्या कर रहे हैं अभी? ना ना ना, बड़ों को चुप नहीं बोलते, जिंदगी सजा देती है, सबको चुप करा देती है। अब क्या करेगी तू? हाँ, तुझे चाहे दुनिया की कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना मिल जाए, वो सब तो क्या, मौत के काले काल में फंस गए, किसी भी वक्त, किसी पल, किसी घड़ी उनके साथ बंद। भाग, अरे भाग ना, भाग 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 के भी कितना भागेगी तू चुईया? उनकी जाती हुई सांसें कैसे पकड़ेगी बता? भागूंगी, जब तक मेरी जान में जान है मैं भागूंगी। इंसान अपने पैरों से नहीं, अपने हौसले से उड़ता है। मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं चलूं नहीं, उड़ू और उड़कर अपने परिवार तक पहुंचूं, और उनकी मौत को भी उड़ा दूं। देखना, मैं उन्हें बचाऊंगी। अब ये नया क्या है? ये चूहिया तो ऐसे भागी जैसे हवा। अरे ये तो काल विजय रत्न की शक्ति है, उस रत्न ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। नहीं तो ये ऐसे हवा की तरह भाग जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सिमरन, चाची, ये ड्राइवर ऐसे क्यों चला है? ड्राइवर, गाड़ी संभालो, गाड़ी मुझे रोकना पड़ेगा, मैं रोकती हूँ। एक मिनट, ये तो हमारी तरफ आ रही है। टीम, बीच में से हट।
बेटा हटाओ। तुम देखो। हाँ तुम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एम्बुलेंस, ये तो गिरने वाली है। ठीक कुछ करो, वो एम्बुलेंस गिरने वाली है। मैं चाहती हूँ। एम्बुलेंस को तो गिरने से बचा लिया, लेकिन अभी ये पूरी बाहर नहीं आ रही। अब कौन बचाएगा, कौन आएगा? दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई? दीदी ये सब बताने का वक्त नहीं है। इससे पहले कि वो एम्बुलेंस गिर जाए, हमें सबको बाहर निकालोगा। जल्दी चल। दी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा हादसा हो गया, सब लोग इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, कोई बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? मेरे भी समझ नहीं आ रहा दीदी। मॉम, चाची जी, यहाँ पे सब बेहोश है। शिकल, मैं उसे छुए मत, उतरो वहां से। वो जो मैंने देखा था वो क्या था? क्या क्या देखा था? ये किसका हाथ, किसकी अंगूठी? और वो क्या था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब किसको धोखा देने आए हो? हाँ दी, इसको अपने पास बताने देना, ये उसने सासनी के साथ मिला हुआ है। तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। I'll throw you down. मुझे जो हाथ जो अंगूठी दिखी तो ये इसकी थी, तो वो यही था अनजान। बॉम्ब! दीदी दोनों हाथ से एम्बुलेंस पकड़ गिर जाएगी। क्या कर रही है? छोड़ो उसे। दिव्या मुझे कुछ मिला है। शिखर, शिखर जल्दी कुछ करो वरना ये मास्क मैन यहाँ पर आ जाएगा। दो मुझे, दो ना दृष्टि, क्या कर रही हो तुम? मुझे दो। इसके पास मत जाना, ये पिशाचनी के साथ मिला हुआ है। कम ऑन टॉम, ये आगे मत बढ़ना। शिखर को हुक दो। एक आखिरी चांस था सबको बचाने का, वो भी गवा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम हमारे साथ हो या उसके साथ। चाहती क्या हो तुम? कैसे मर जाए? इसने हमें धोखा दिया है। अब ये पिशाचनी के साथ मिला हुआ है। अब देखना ही एम्बुलेंस नीचे गिरा देगा सबको।
कौन हो तुम? हाँ बताओ कौन हो तुम? जाने दो मुझे। नहीं जाने देंगे। कौन हो तुम और ये मास्क क्यों पहन के रखा? अपना चेहरा क्यों छुपाते रहते हो? जब भी आते हो कुछ ना कुछ करके जाते हो। समझ में नहीं आता कौन हो, क्या हो, क्यों कर रहे हो। आज तुम्हें अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन हो तुम। दिखाओ। रुक जाओ। नहीं भाभी, आज नहीं रुकेंगे, आज इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और किसने तुम्हें भेजा और तुम किसके आदमी हो और किसके इशारों पे नाच रहे हो। और सबसे पहले ये मास्क हटाओ। नहीं, इसने हमें बचा लिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। भाभी बहुत नहीं, बहुत कुछ हो चुका है, अभी तक सब बेहोश है। देखो तुम जो भी हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे फैमिली मेंबर्स को होश में ले आओ, फिर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मोहम, चाची जी, शिकर, थैंक। ये कहाँ गया? कहाँ गया ये? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, आज हम उसका मास्क हटाने वाले थे, उसका चेहरा देखना चाहते थे और देख भी लेते हैं, लेकिन आप बीच में आ गई, क्यों? मेरी सिमी। भाभी ये सब क्या हो गया? मतलब वो एम्बुलेंस, हम लोग तो अस्पताल जा रहे थे ना इसे लेकर, फिर अचानक बेहोश हो गए और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मगर वो सब था क्या? हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम शांत हो जाओ। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मेरी जिम्मी की हालत देखिए क्या हो गई है, पर आप कह रही है शांत हो जाओ। भाभी ये ससुराल वालों का फोन है, मतलब मैं कैसे उठाऊँ, क्या क्या बोलूँ, क्या उनसे क्या बात करूँ? मैं बात करूंगी, ला मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ गीता जी, मैं महिमा बोल रही हूँ। महिमा जी मेरी पंडित जी से बात हुई है, उन्होंने ना एंगेजमेंट की डेट हफ्ते भर बाद की दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कि आज शाम को ही ना सिमरन से कंगन की डिज़ाइन सेलेक्ट करवा लेते हैं, बीच में ग्रहण निकल गया था ना, इसीलिए वो पहले वाली ज्वेलरी नहीं पहन सकते। क्या है ना, शगुन का काम है, नए शगुन के साथ करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप एक काम कीजिए ना, आप उसके पिक्चर्स भेज दीजिए, हम सिमरन को दिखा देंगे। और अरे पिक्चर्स क्यों, सारे कंगन के सेट्स लेके मैं खुद ही आ जाती हूँ। आप लोग घर पे हो ना? हाँ, नहीं नहीं, हम सब है ना मंदिर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, ऐसे करते हैं डायरेक्ट मंदिर में मिलते हैं, पूजा भी हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे और साथ में काम भी। एक काम करते हैं, घर पे ही मिलते हैं फिर। ओके, मिलते हैं देन। ठीक है, तो आप आ जाइए, हम मिलते हैं। अभी ये क्या, आपने मतलब उन्हें घर पे क्यों बुला लिया? क्या करती मैं, वो बोले जा रही थी, वो मंदिर भी आने को तैयार थी। कुछ सोचते हैं, चिंता मत करो, कुछ करेंगे। बस हो गया, हो गया, हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग है पर बच्चों की तरह आ ऊ आ ऊ करती फिर रही। देवी तो भगवान का शुक्र है कि हल्की फुल्की चोटें आई है, कोई बड़ा घाव नहीं आया। अरे हाँ, उसने क्या हम सब लोग की जान बचा ली? कौन है, कहाँ से आया, क्यों मदद की, आखिर है कौन ये इंसान? अनजान। आप इस अनजान को पहले से जानती हो, मतलब कौन है, कहाँ से आया है, क्यों? छोड़ ना देवी, वो कौन है, हमारी हेल्प क्यों करना चाहता है, कहाँ से आया है, ये सब हमारे लिए मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये बात मैटर करती है कि सबकी जान बच गई। कर अनजान का नाम सुन के मेरी बहन उसके ख्यालों में खो गई तो मैटर तो बहुत करता होगा। दीवी। क्या देवी? देवी देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो, मैरिड होते भी किसी अनजान, किसी अनजान इंसान के बारे में सोच रहे हो? छी 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 छी, शेम 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 शेम, मारूंगी, बदतमीज हो गई है। अरे मार लो मार लो, आपकी प्यारी प्यारी मान खाने के लिए तो वापस आई हूँ।
देखा दी, मम्मा ने कहा था ना हम हमेशा साथ रहेंगे, और हो गए साथ हम। मम्मा सही कहती थी, माँ की दुआ रंग लाती है, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। और अब हम हमारा वो काल विजय रत्न भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मतलब हमने वो रत्न भोलेनाथ जी की शरण में तो रख दिया है, भोलेनाथ जी खुद उसकी रक्षा करेंगे और उसे उस पिशाचनी की काली शक्तियों से दूर रखेंगे। दी, जब से हमने रत्न भोलेनाथ जी के शरण में रखा है ना, तब से मैं बहुत लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। कितनी ताकत है ना भोलेनाथ जी में। रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृ। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।